बैंक से लोन लेना आसान है मगर चुकाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे ही बैंक के एक बकायेदार का घर बैंक ने सील कर दिया है। अगर 15 दिनों के अंदर बकाया नहीं चुकाया गया तो घर नीलाम कर दिया जाएगा। पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानीपत्रा की है, जहां प्रीतम कुमार नाम के एक युवक ने स्टेट बैंक से होम लोन लिया था। लोन नहीं चुकाने पर बैंक ने प्रशासन की मदद से यह कार्रवाई की है। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। सर, आज मकान को सील किया गया, किस पर्पस से सील किया गया और किनके द्वारा सील किया गया? बैंक के द्द्वारा सील किया गया है। कौन सा बैंक? 2019 में होम लोन लिया था। अच्छा, उसका रिपेमेंट नहीं किया। अकाउंट जो है हमारा सितंबर से एनपीए था, सरफेसी एक्ट के तहत सील किया गया। कितने का लोन लिया था? 16 लाख का। और ये लोन कब लिया था? 2019 में। कौन लिए थे लोन? प्रीतम कुमार। प्रीतम उन्हीं का मकान है जी। तो आज सील किया गया। और मौका दिया जा रहा है क्या? दिया जा रहा है, 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है। अच्छा, कितना इसकी ड्यूज है इनके पास? ड्यूज अभी भी होगा इनका 17-18 लाख के आसपास। 17-18 लाख के आसपास का ड्यूज है। सर, आपका दीपक कुमार सिन्हा, चीफ मैनेजर एडीबी लाइन बाजार पूर्णिया। स्मृति जुपिटर इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला पूर्वोत्तर भारत का सबसे विश्वसनीय संस्थान। स्मृति जुपिटर, ऑपोजिट मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, पटना। इस ईद अपनों में प्यार और स्टाइल दोनों दिखेंगे, तो बिग शॉप के साथ खुशियों और फैशन का त्योहार। पूरे परिवार के लिए सबसे शानदार और मनमोहक लुक की खरीदारी करें। कालीबारी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया। द बिग शॉप पूर्णिया। कीजिए अपनी शादी की पूरी तैयारी हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन से। ब्राइडल एंड पार्टी वियर, लहंगा, शेरवानी, कोट सूट, साड़ी, गाउन, किड्स वियर, सभी टॉप ब्रांड्स के साथ एकदम आपके बजट में। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।